ऐसे अड़ियल, ऐसे बेवकूफ एसपी श्री सुधीर सिंह का निलंबन जरूर होना चाहिए, क्योंकि मुसहर समाज एक हमारा ऐसा समाज है कि वैसे ही वो बहुत संवेदनशील होता है, बहुत इनोसेंट होता हूँ जन सुनवाई के अंतर्गत। वो जन सुनवाई के अंतर्गत भी एसपी महोदय लगातार जन सुनवाई में आए प्रार्थनी लोगों का मजाक उड़ाते हैं, मतलब का गंगा मैया कसम खिलाते हैं। एक दिन मैंने पूछा था कप्तान महोदय से, आप खा जाओ कि आप गंगा मैया कसम आप खा लो कि आप खाने से पैसा नहीं लेते हो, आप लोगों को फर्जी जेल नहीं भेजते हो, आप पैसा लेके लोगों को फर्जी मुकदमा नहीं लगाते हो, आप पासपोर्ट लाइसेंस और करेक्टर जो थाना 2500-3000 रुपया ले रहा है आप उसमें से एक पैसा नहीं लेते हो। तो उन्होंने गंगा मैया कसम। यह बहुत इस कृत्य ने हम आजमगढ़ को संसार किया है। उनका एक आईपीएस की ऐसी कृत्य नहीं होनी चाहिए थी, वो दरोगा की भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। जो कांस्टेबल और दरोगा काम करते हैं उस काम को आपने किया, निश्चित है कि यह जनपद आजमगढ़ कहीं कहीं उस मुसहर समाज के छोटे बच्चे को जिस प्रकार से आपने बेइज्जत किया है आजमगढ़ संसार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर मैं मांग भी किया हूं, लखनऊ में बताया भी हूं कि ऐसे अड़ियल, ऐसे बेवकूफ़ एसपी श्री सुधीर सिंह का निलंबन जरूर होना चाहिए, क्योंकि मुसहर समाज एक हमारा ऐसा समाज है कि वैसे ही वो बहुत संवेदनशील होता है, बहुत इनोसेंट होता है। यदि कोई मांग कर, मुझे पता चला, उन्होंने बताया मुझे फ़ोन करके कि जब हम लोग साहब अंदर मांग कर रहे थे तो उन्होंने कहा लाओ FIR तो लिख दूंगा, लेकिन संबंधित विरोधी का न तो कोई गिरफ्तारी होगी न तो इसमें कोई कार्रवाई होगी। तो हम तो साहब थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, हमारे समझ में आया कि कप्तान साहब कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए हम लोग काफ़ी परेशान थे और हमने गाड़ी रुकवाने का प्रयास किया, हमने कहीं से पत्थर नहीं चलाया। इसके बाद भी हम लोगों ने तहकीकात की तो ये आया, तहकीकात में तहकीकात के फलस्वरूप ये समझ में आया और लोगों ने वहाँ मौके पर बताया कि कोई पत्थर, और स्वाभाविक है कि गरीब आदमी न्याय मांगने गया पत्थर चलाने नहीं गया है। ज़रूर है कि उसके मन में ये खोट हुई या उसके मन में जो आपने बताया कि नहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस लिहाज से वो सब बेचारे परेशान थे, आपकी गाड़ी रुकवाया न्याय मांगने के उद्देश्य, और आपने ऐसा कृत्य किया। ऐसा कृत्य कतई नहीं होना चाहिए था। और ये नहीं, ये तो कृत्य हो गया। मैं एक आध बार दो बार बैठा हूँ जन सुनवाई के अंतर्गत, वो जन सुनवाई के अंतर्गत भी एसपी महोदय लगातार जन सुनवाई में आए प्रार्थनी लोगों का मजाक उड़ाते हैं, बेमतलब का गंगा मैया कसम खिलाते हैं। तो एक दिन मैंने पूछा था कप्तान महोदय से कि आप खा जाओ कि आप गंगा मैया कसम आप खा लो कि आप थाने से पैसा नहीं लेते हो, आप लोगों को फर्जी जेल नहीं भेजते हो, आप पैसा लेके लोगों को फर्जी मुकदमा नहीं लगाते हो, आप पासपोर्ट लाइसेंस और करेक्टर जो थाना 2500-3000 रुपया ले रहा है आप उसमें से एक पैसा नहीं लेते हो। तो उन्होंने गंगा मैया कसम खाने से इनकार कर दिया। तो हम पुनः मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे कप्तान को एक मिनट भी आजमगढ़ बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, इन्हें तत्काल निलंबित होना चाहिए। देखिए, ये जो अफसर हैं ये कुछ ज़्यादा मुख्यमंत्री को दिखाना चाहते हैं और उस आवेश में वो होश खो बैठते हैं। मुख्यमंत्री जी ये नहीं कहा है, मुख्यमंत्री का अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी सज्जन व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो वो अपराधियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ सज्जनों से पैसा लूटने का काम करते हैं, सोचते हैं जो ज़मीन लिखाने आया है वो हमको माल देगा पैसा देगा। तो गोरखपुर का कांड कोई दुश्मनी नहीं थी, केवल और केवल उस यशो ने उस आदरणीय सद्धे गुप्ता जी का से पैसा लेने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, इसके बाद उसको बट से मारा गया। और ऐसे कृत्य करने वालों को हमारे मुख्यमंत्री जी छोड़ेंगे नहीं। आज आप परिणाम देख रहे होंगे कि वो जेल गए हैं, बल्कि हम लोग तो मांग किए थे कि उनको भी शूट आउट होना चाहिए था, अगर वो फरार हैं तो उनको भी ढूंढ के पुलिस इनकाउंटर की होती, लेकिन
कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि आज वो जेल में हैं और मुझे नहीं लगता वो जल्द से जल्द बर्खास्त भी हो जाएंगे। जांच चल रही, जांच के आने के उपरांत वो बर्खास्त भी होंगे। देखिए भाई, जहाँ की जनता वोट देती है, वोट कोई दे भी चाहे ना दे, जब आप सांसद हो गए तो इस पूरे आजमगढ़ के आप सांसद हो गए, तो कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत होगी, तो निश्चित है कि जनता अपने सांसद को खोजेगी, ढूंढेगी, और अगर नहीं मिलती है तो वो जनता को बताएंगे कि भाई हमारे सांसद जी लापता हैं, नहीं मिल रहे हैं, साहब ये काम है हमारा, ये जनता के किसी भी मुश्किल में खड़े नहीं होते, तो स्वाभाविक है जनता ढूंढेगी। हमने बुलाया फ़ोन करके, हम आज भी बुला रहे हैं कि आप आइए, हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं उसके इस व्यवहार पर, लेकिन वो कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि नहीं, अब हमारे साथ न्याय हो गया है, अब कप्तान ने नेसेसरी एक्शन ले लिया है, तो मुझे लगता है कि ये कप्तान ने काफ़ी डरा धमका दिया होगा, इसलिए वो आने के लिए अब वो आना नहीं चाहते हैं। अब इस विषय पर तो जनता को सोचना चाहिए, इस विषय पर जनता को सोचना चाहिए, जनता निडर होनी चाहिए, जनता को अपनी मांग मनवानी चाहिए, जनता जनता का अधिकार, जनता का ही सब कुछ है, जनता के ही टैक्स से वही SP वेतन पाता है, DM वेतन पाता है। देखिए, अगर उसने 2 झापड़ खाया होगा तो कप्तान को कम से कम 100 झापड़ की बेइज्जती हुई होगी, ये पूरा जिला उसके साथ खड़ा हो गया था, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सारे जिले ने, जिले के एक एक नागरिक उसके उस खराब कृत्य के कारण पूरा जिला उस व्यक्ति के साथ खड़ा था, और आज भी हम न्याय की मांग करते हैं, फिर पुनः हम बात करेंगे उनसे, यदि न्याय नहीं मिलता तो निश्चित है कि हम आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। अब हम माननीय, इसमें समाचार भी चले हैं, मीडिया का भी अच्छा कवरेज हुआ है, हम माननीय मुख्यमंत्री से हम मांग कर आए हैं, और हमने अभी व्हाट्सअप खोल के दिखा दूँ, मैं सेम डे ही मैंने आदरणीय प्रमुख सचिव गृह हैं अवनीश अवस्थी जी, मैंने उनको भी ट्वीट कर दिया है और उनको भी मैसेज भेज दिया है, अब लिख पढ़ के देना है। अभी विजयदशमी का ये त्यौहार के तदुपरांत हम लखनऊ जाके लिख पढ़ के देंगे, उसमें जाँच होगी और निश्चित SP तो हटेगा ही और साथ में निलंबित भी होगा। अंत में, आज दशहरे का पावन पर्व है, हम इस दशहरे पर, इस विजयदशमी पर के पावन पर्व पर हम पूरे जनपद के सम्मानित लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज अधर्म पर धर्म की जीत है, असत पर सत्य की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, और मैं चाहता हूँ कि हम संकल्प लें कि हम जो भी बुराई होगी उस पर हम अच्छाई की बात रखेंगे, और दशहरा खूब अच्छे से मनाएंगे, और उल्लास भी है, उमंग भी है इस विजयदशमी पर। CIBN इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।